हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर आर्य सहवाल से चैप्टर नंबर 15 है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर। इस चैप्टर को दो भाग में बांटा है, यानी कि पहला एक्सरसाइज में हमको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और दूसरा एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रायंगल का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिसमें हम लोग फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। एक्चुअल में देखिए, दो फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, नाइन्थ क्लास में, एट क्लास में, सेवन क्लास में आप पढ़े होंगे, पहला हीरोज फॉर्मूला और दूसरा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास और दो होंगे, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक अलग से फॉर्मूला है और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी निकालने का अलग से फॉर्मूला है। ठीक है, वो बहुत छोटा है, यानी कि हम जो हीरोज फॉर्मूला यूज करते हैं थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन ये सब बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीरोज फॉर्मूला को एक बार बस एक्सप्लेन कर देते हैं, यानी कि रिकॉल कर देते हैं, रिविजन हो जाएगा, उसके बाद आगे वाला जो फॉर्मूला है उसको हम डिराइव भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला, ठीक है, इसमें क्या था, सबसे पहले हमको एस निकालना होता था। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर से ही समझ में आ रहा होगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्लोज फिगर है उसके बाउंड्री का सारा अगर हम सम कर लेते हैं तो वो क्या होता है, पेरीमीटर, और सेमी का मतलब आधा। ठीक है, तो अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई हम बेसिक ट्रायंगल ले रहे हैं जिसका एक साइड ए है, बी है, सी है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। जब इसको हम टू से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। इसी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले तो हम एस निकालते हैं, उसके बाद जब एरिया का बात आता है तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये है हमारा हीरोज फॉर्मूला। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये ऐसा फॉर्मूला है, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस या फिर स्केलेन हो, किसी तरह के ट्रायंगल में ये अप्लाई हो सकता है जब हमको तीनों का साइड मालूम हो। ठीक है, तीनों का साइड मालूम हो तो ये आसानी से हो जाएगा। कोई भी आप देखेंगे कि जो लॉन्ग फॉर्मूला होता है वो सब जगह अप्लाई होता है, जो ट्रिक होता है किसी किसी पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हर ट्रायंगल में अप्लाई होता है जिसका हमको सारा साइड मालूम हो, कोई भी ट्रायंगल। ठीक है, तो याद आ गया होगा, आप यूज भी किए होंगे। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज समझना जरूरी है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्यों करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, फॉर्मूला एरिया ऑफ ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट के जगह पर कहीं एल्टीट्यूड भी लिखा रहता है, तो समझते हैं ये कैसे फॉर्मूला है। पैरेललोग्राम का आपको फॉर्मूला याद है, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या यूज करते थे हम लोग, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस ये हो गया और हाइट, कहीं कहीं हाइट भी यूज करता है, कहीं कहीं एल्टीट्यूड भी यूज करता है, तो दोनों का यहां मतलब सेम है। ठीक है ना, तो हाइट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। जब हम एक डायगोनल को ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो क्या होता है, कोई भी डायगोनल, यानी कि पैरेललोग्राम का कोई भी डायगोनल, ठीक है, इधर से ड्रॉ करे या फिर इधर से ड्रॉ करे, दो बराबर ट्रायंगल में बांटता है। ठीक है, तो ये पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसका जब हम आधा करेंगे तो ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो वहीं से इस ट्रायंगल का फॉर्मूला बना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एक्चुअल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है फिर भी सही है, क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का जो ये ब्रेथ हो गया और ये लेंथ हो गया, तो ये जो ब्रेथ होता है ना, इसमें मालूम ही है कि सारा का सारा 90 डिग्री होता है, तो यही एल्टीट्यूड यानी कि यही हाइट की तरह बिहेव करता है। अब हम कहते हैं कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है, तो एल इंटू बी और बी इंटू एच में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो ब्रेथ है ना यही हाइट की तरह बिहेव कर रहा है, और यहां पर जो लेंथ है वो क्या हो जा रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसलिए एल इंटू बी यूज करें या फिर बी इंटू एच यूज करें, दोनों फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो इसको भी जब हम यहां पर डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये दो बराबर ट्राइंगल में बढ़ जाता है। ठीक है, तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, एल इंटू बी, जब डायगोनल ड्रॉ कर देंगे तो दो ट्राइंगल में बढ़ जाएगा। ठीक है, दो ट्राइंगल बढ़ेगा और एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, उसको हम टू से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, तो 2 से हम नीचे डिवाइड करें या फिर यहां पर 1 बाई 2 को अलग ले लिया है, अब बी इंटू एच लिख दिया, क्लियर हो गया बात। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है बार बार हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एक बात को हमको इसमें समझना जरूरी है कि बेस और हाइट कब कब बदल सकता है। कब कब बदलने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल, अगर हम बेस इसको लेते हैं तो हम इसको हाइट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, भले ही हमको दिखता है कि हाँ नीचे से जितना मैक्सिमम ऊपर तक गया है वो हाइट कहलाएगा, लेकिन इसको हम हाइट नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये बेस बन चुका है। अगर ये बेस बन चुका है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से यानी कि बेस के जो अपोजिट वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, किस पे, बेस पे, और ये काम करता है हाइट की तरह यानी कि एल्टीट्यूड की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब यहां फॉर्मूला, बेस इसको रखेंगे यहां पे और हाइट के जगह पर इस वाले हाइट को यहां रखेंगे। ठीक है, अगर बेस इसी लिया जाए तो हाइट कहां से हमको ड्रॉ करना होगा, इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स ये है और इसके अपोजिट वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस वाले बेस पे, तब जाके हम बेस के जगह पर इसको रखेंगे और हाइट के जगह पर इसको रखेंगे, क्लियर हो गया, और 1/2 तो लगा ही रहेगा क्योंकि ट्राइंगल है। ठीक है, ये तो 2 हो गया जो हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सबको मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसका सारा साइड इक्वल हो और कह सकते हैं सारा एंगल भी इक्वल हो, और एंगल कितना होता है, 60-60 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका क्यों हमको जरूरत पड़ा, इसका क्यों हमको जरूरत पड़ा, क्या ये हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया नहीं निकल सकता है, क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया नहीं निकल सकता है, निकल सकता है, लेकिन उससे भी शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिराइव करेंगे, तो इक्विलेटरल है तो इसका जो साइड होगा यानी कि मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट इसका भी होगा, वही मेजरमेंट इसका भी होगा। जब कोई चीज किसी भी फिगर में सेम रहता है, चेंज नहीं करता है, तो सबके लिए हम सेम वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में एल और बी क्यू हमको अलग अलग यूज करना पड़ता है, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ के बराबर नहीं है, जबकि स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ बराबर है, इसलिए हम सबके लिए सेम वेरिएबल यूज करते हैं, समझ में आ रही बात। तो उसी तरह इक्विलेटरल के साथ है, सबका मेजरमेंट सेम है, इसलिए हम क्या करते हैं, सेम वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब हमको क्या करना है, पहले हम हाइट का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, हाइट कैसे पता किया जाए, तो ये इक्विलेटरल है, किधर से भी हम हाइट ड्रॉ करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम ऐसे ही ले लिए, तो जब हम हाइट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, मीडियन बन जाएगा खुद से खुद। मीडियन क्या होता है, किसी भी अपोजिट वाले वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन मीडियन होता है। ठीक है, लेकिन हमेशा मीडियन किसी भी ट्राइंगल में मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होता है, लेकिन इस किस्म में जो है परपेंडिकुलर होगा, समझी बात। चलिए, तो जब परपेंडिकुलर होगा तो इस इन दोनों को तो बीच में बांटेगा ही बांटेगा क्योंकि मीडियन है, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, a बाई टू, और ये वाला भाग भी हो जाएगा a बाई टू, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, यही हाइट हुआ ना, ये हाइट हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर है इसीलिए हाइट है। ठीक है, तो अब समझते हैं, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर 90 डिग्री बन ही रहा है, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसको हम कुछ नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम M लिख देते हैं या फिर N लिख देते हैं। ठीक है, N ले लेते हैं, और ये पूरा मेजरमेंट है A। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एन, इन ट्राइंगल ए बी एन। ठीक है, अब ये बताइए कि हाइपोटेनस यहाँ कौन है, ये है हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है यानी कि ए स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि a बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर पे h स्क्वायर। ये h हाइपोटेनस नहीं है, हाइट है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनस ये है ना, तो हाइपोटेनस की जगह पर a रखती है, ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि a बाई टू का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर h यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको h ही निकालना है, तो यहाँ पर हम p यूज नहीं करेंगे। ठीक है, p यूज नहीं करेंगे, समझ हमारी बात को ना, तो यहाँ इसलिए हम h लिए हैं, क्लियर। तो अब हमको h को एक तरफ रखना है, इसको इधर लाना है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको हम कर देते हैं a स्क्वायर बाई फोर, कोई दिक्कत।
हम आगे कैलकुलेट करते हैं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4a² - a² / 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3a² / 4। ये एच स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है ना, हमें क्या निकालना है एच, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 3a² / ये पूरा में अंडर रूट लगेगा, ठीक है, बाई 4। तो अब यहां से क्या होगा, 4 तो बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर है इसलिए ए भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट 3 रह जाएगा, तो हो जाएगा रूट 3a/2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2a, ठीक है। इसके आगे जो भी यूनिट होगा हम लगा देंगे, समझ आ रही है बात को ना, तो √3/2a होता है इसका हाइट, क्लियर। अब इसका हमको निकालना है एरिया, एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एरिया क्या होता है 1/2 × base × height, तो 1/2 बेस कितना है ए है और हाइट कितना है √3/2a है, ठीक है, बस कर देंगे एरिया आ जाएगा। पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, चलिए अब तो हाइट आ ही गया, अब आते हैं हम लोग एरिया पे। एरिया का फॉर्मूला पहले से 1/2 × base × height होता है, ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है ए है, पूरा बेस, हम पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमको ना, तो यहाँ हम a/2 नहीं लेंगे, पूरे ट्राइंगल की बात होगा तो बेस पूरा ए होगा, ठीक है। तो बेस की जगह पर हम क्या रखेंगे ए इंटू हाइट, अभी अभी हम निकाले हैं कितना है √3/2a, क्लियर। तो 2 नीचे है, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर नीचे 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3a² / 4, ठीक है, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। जो भी यूनिट होगा उसको वो यूनिट स्क्वायर में आएगा, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, याद तो हो जाता है फॉर्मूला, लेकिन कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि हाइट ये वाला फॉर्मूला हाइट का है या फिर ये हाइट का है या फिर ये एरिया है या फिर ये एरिया है। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, और जो भी अगर ए का कुछ भी यूनिट है, सेंटीमीटर है, मीटर है, जैसे मान लेते हैं सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है और ए का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो एरिया तो हमेशा स्क्वायर में होता है, और यहाँ पर क्या है ए है, तो ये अगर ए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, स्क्वायर हो नहीं रहा है, और केवल सेंटीमीटर में एरिया नहीं होता है, ठीक है, लेंथ होता है। तो यहाँ पर हाइट क्या है, एक तरह का लेंथ है, इसलिए ये फॉर्मूला हाइट का है, एक याद करने का एक तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हाइट का हो गया और ये फॉर्मूला एरिया का होगा, और एरिया का हमेशा कुछ भी यानी कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी फॉर्मूला हो, एरिया फाइनली स्क्वायर में ही आता है, उसका यूनिट स्क्वायर में ही आएगा, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको पॉज करके नोट कर ले, उसके बाद हम लोग आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए इसके बाद इक्विलेटरल के बाद हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबको मालूम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसका दो साइड इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर इसको हम ए ले रहे हैं, इसको ए ले रहे हैं, तो ये पी, ठीक है, यानी कि ये दो इक्वल है और ये अनइक्वल। तो एक बात को हमें से याद रखना है कि ये भी अनइक्वल हो सकता है और ये दोनों इक्वल होगा, ये भी हो सकता है ये दोनों इक्वल हो और ये अनइक्वल हो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आइसोसेलेस में बस यही है कि दो साइड इक्वल है और एक अनइक्वल है, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग हाइट फाइंड करेंगे। तो इसमें भी हाइट फाइंड करने के लिए हम बेस जो है ना अनइक्वल्स वाले साइड को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि इसी पे जो मीडियन ड्रॉ होगा वही परपेंडिकुलर होगा, जो इधर से मीडियन ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा हो रहा था, क्योंकि उसमें सारा साइड इक्वल था, ठीक है। अब इसमें अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल जो मीडियन ड्रॉ करेंगे वो 90 डिग्री नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, इस साइड से हम ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, ये कारण है कि इस पे ही हम लेते हैं, क्लियर। ऐसा लेंगे तो जो मीडियन क्या करता है, इस वाले साइड को दो बराबर भाग में बांटेगा, तो ये हो जाएगा b/2 और ये भी हो जाएगा b/2, क्लियर। तो इसको हम लिख लेते हैं h। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग हाइट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए क्या है, हाइपोटेनस हो जा रहा है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर यानी कि b/2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहां परपेंडिकुलर क्या है, हाइट है, हाइपोटेनस इसे नहीं समझना है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिसको कि हम लोग हाइट कहेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू b/2 होल स्क्वायर + h² जब इसको हम ब्रेक करेंगे हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए ना, तो हाइट को एक तरफ लेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर आके माइनस होगा तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस इसको हम कर देते हैं b² / 4, कोई दिक्कत।
ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4a² माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर बाई नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए ये वाला भाग 4 तो बाहर आ जाएगा रूट से, लेकिन ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर, और ये रूट से बाहर हो गया। ठीक है ना, इस पे अब रूट नहीं लगा, इसमें क्या है पूरा रूट के अंदर है, ये पूरा रूट के अंदर नहीं है, ये 4 जो है बाहर आ गया 2 बन के। ठीक है, तो हाइट का हमको फॉर्मूला मिल गया। अब एरिया के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, हाइट जब है मेरे पास और बेस यहाँ पर बी है, ठीक है ना, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। ठीक है, पहले आप इसके नोट कर लीजिए, और ये जो हाइट आएगा उसका यूनिट क्या रहेगा, हमेशा हाइट एक यूनिट है, जैसे हाइट का जो यूनिट होता है वो एक लेंथ है, इसलिए कभी भी उसका यूनिट स्क्वायर में नहीं होता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में रहेगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया का, यहीं पर हम लिख देते हैं एरिया का। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला पहले वाले ही उसी से हम डिराइव करेंगे, क्या था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस, बेस यहाँ पर बी ही है। ठीक है ना, देखिए बेस जब हम इसको लेंगे, नीचे वाले जो अनइक्वल साइड है उसको अगर हम बेस लेंगे तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, थोड़ा भी इधर उधर यानी कि बेस की जगह पर इसको हम रख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला में यही बात हमको ध्यान रखना होगा, कौन सा बेस ले रहे हैं हम। ठीक है, तो 1/2 बेस ये हो गया, इंटू हाइट हम अभी अभी कैलकुलेट किए हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा यहाँ पे 4, हम यहाँ क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एरिया को हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 नहीं, अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, और b यही रह जाएगा, अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया का फॉर्मूला, और जो भी यूनिट होगा वो क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला और हाइट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एक याद रखना है कि अगर हाइट निकालने का फॉर्मूला याद रहे तो एरिया के लिए अलग से हमको याद करने की जरूरत है ही नहीं, बस हम क्या करेंगे, बेस और 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बस हो गया। तो ये याद है, यानी कि दोनों इक्विलेटरल वाले में और आइसोसेलेस वाले में अगर हाइट का फॉर्मूला याद है तो एरिया का निकालने याद रखने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए एरिया का फॉर्मूला हो गया, अब बात करते हैं हम लोग पेरीमीटर का, दोनों का हम पेरीमीटर का बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब पेरीमीटर देख लेते हैं, ये बचा हुआ है, और यहाँ पर हम दोनों का पेरीमीटर का डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, ए ए और ए, सारा साइड इक्वल होता है, तो इसमें पेरीमीटर हम क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। ठीक है, तो पेरीमीटर यहीं पर हम कर लेते हैं, इस केस में पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए। पेरीमीटर कोई भी टू डायमेंशनल फिगर हो, कोई भी, ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, उसका जो भी बाउंड्री है ना, इसका मेजरमेंट, इसका, इसका, और कोई दूसरा फिगर हो, क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका एक और साइड है, सबको ऐड कर देने के बाद जो वैल्यू आता है वही पेरीमीटर होता है। तो ए प्लस ए प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, यहाँ क्या है, ए ए और यहाँ हो जाएगा बी, इस केस में पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इस केस में पेरीमीटर दो बार ए है, तो ए प्लस ए प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर तो याद कभी रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी हो गया। ठीक है, तो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला है, अगर आइसोसेलेस है, ये इक्विलेटरल है, ठीक है, कोई और ट्रायंगल यानी कि स्केलन ट्रायंगल हो जिसका सारा साइड अनइक्वल हो, यानी कि ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, हम लोग देखे ही थे उसमें, जो हीरोज फॉर्मूला था उसमें। ठीक है, जिसका सारा साइड अनइक्वल है, ए बी सी सबको ऐड ही कर रहे थे, उसको 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल रहा था। ठीक है, तो उम्मीद है इसमें जो भी हम फॉर्मूला डिस्कस किए हैं आपको उसका कंसेप्ट समझ में आया होगा, कहाँ से वो फॉर्मूला आया है। अगर ये चीज़ क्लियर रहे तो कभी ऐसे टाइम पे अगर हम फंस जाते हैं जहाँ पर हम फॉर्मूला भूल रहे हैं या फिर कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पर आसानी से हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लियर होगा तो आगे वाला क्वेश्चन जो भी बनाएंगे वो आसानी से बन जाएगा। तो इसके बाद हम लोग पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।